हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा आज हम पढ़ने वाले हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे। बहुत लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। काउंट करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम बताएंगे उसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे दो अंकों की पूछा तो लोग क्या लिखोगे, 9 लिखना, गुणे दो अंकों की पूछा तो पावर 1 कर देना, ठीक है। अगर दो अंकों की पूछा तो पावर 1 कर देना, सब में काम यही करना है, 9 के कर 9 गुणे 10 के पावर 1। अगर दो अंकों की पूछ रहा है तो 1 करना, अगर 3 अंकों की पूछेगा तो 2 कर देंगे 10 के पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90, ठीक है, क्या आ गया 90, 9 गुणे 10 कितना हो जाएगा 90। ये हो गया दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं, ठीक है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, तीन अंकों की, अगर यहां बोला जाए तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं है, तो क्या हो जाएगा, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9 गुणे 10 के पावर 2, क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 2। यहां से क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर यहां से देखें तो कितनी हो जाएगी, 900। तो यहां हम कह सकते हैं तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। अगर यही बोल दिया जाए चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, क्या बोल दिया जाए, चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं, क्या हो जाएगा, चार अंकों की कुल कितनी संख्या है, क्या करेंगे, 9 गुणे 10 के पावर 3 कर देंगे। यहाँ चार बोला ना इसलिए 3 कर देंगे, यहाँ 3 बोला 2 कर दिए और 2 वाले में 1 कर दिए थे, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे कितनी बार, 3 बार, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं 9000 कितना हो जाएगा, 9000। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं चार अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9000 संख्या है। दो अंकों की कितनी संख्या है, 90 संख्या है। तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है, 900 संख्या है। ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे, 9 गुणे 10 के पावर, अब 10 के पावर कैसे लिखना है, अगर 3 बोला है तो 2 लिख देना, 4 बोलेगा तो 3 लिख देंगे, 5 बोलेगा तो 4 लिख देंगे। अगर 5 अंकों की पूछ रहा है तो क्या करें, 9 गुणे 10 के पावर 4 हो जाएगा। अगर यहां से काउंट करें कितना 0 हो जाएगा, 4 0 कितना हो जाएगा, 90000। तो ये हम बता सकते हैं पांच अंकों की कुल कितनी संख्या है, 90000 संख्या है। इस तरीके से हम ये वाली संख्या है कुछ भी पूछ ले, 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो क्या करें, 9 गुणे 10 के पावर 99 इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अगर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी लगाते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि 10 और 19 के बीच कुल कितनी संख्या है, इस तरीके के क्वेश्चन, क्या बोला गया, 10 और 19 के बीच में कुल कितनी संख्या है, एक तो हमारे पास है, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इनके बीच में कुल कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बता सकते हैं। अगर ये छोटा है तब मान लो पूछ लिया 200 और 300 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो कैसे काउंट करेंगे, लिखते इस तरह काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 19 में से 10 घटाओगे डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 19 में से 10 घटाएंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया, अंतर कितना है, 9 आया। अब 9 आया, अगर बीच में पूछा है बीच में कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, 9 में से क्या करेंगे, डी माइनस ए, डिफरेंस जितना आएगा उसमें से एक घटा के लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंस जितना आएगा उसमें से एक घटा के लिखेंगे, डिफरेंस कितना आया, 9 आया, 9 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो हम बता सकते हैं 10 और 19 के बीच कुल कितनी संख्या है, 8 संख्या है। अगर यहीं पे बोला होता कि 10 और 29 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो क्या करते, तो क्या करते, पहले इनका डिफरेंस निकालते। डिफरेंस देखे तो कितना आएगा, 19 आएगा। अब इनके बीच में बताना है, यहां ध्यान रखना, बीच में अगर बताना है बीच में कुल कितनी संख्या है, तो एक माइनस करना, किसमें डिफरेंस जो आएगा उससे माइनस करना है। 19 में से एक घटाएंगे तो 18 आएगा। तो हम बता सकते हैं कि 10 और 29 के बीच कुल 18 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, कुल 18 संख्याएं हैं। इस तरीके से अगर पूछ ले 200 और 300 के बीच, 200 और 300 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो हम बता सकते हैं ना, क्या कहेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 200 में से 300 जाएगा कितना बचेगा, या 300 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा। तो इनका डिफरेंस कितना आया, 100 आया। अब बीच में पूछा है तो बीच में क्या करेंगे, एक माइनस करके बता देंगे तो कितना बता देंगे, 99। तो हम बता सकते हैं 200 और 300 के बीच में कुल कितनी संख्या है, 99 संख्या है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, कोई भी अगर दिया है, यहाँ पे 500 और 1000 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, पहले उनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जैसे यहाँ पे 300 में से 200 घटाया कितना आ गया, 100 आ गया। अब बीच में पूछा है तो एक माइनस करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बीच में पूछता है कुल, बीच में कुल कितनी संख्या है, अब देख सकते हैं बीच में कुल कितनी संख्या है, तो बता सकते हैं जितना डिफरेंस माइनस एक, डिफरेंस निकालेंगे वहां से माइनस एक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये वाला लगाएंगे। अब दूसरे तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया गया 10 और 29 तक की कुल कितनी संख्या है, क्या बोलेंगे, 10 और 29 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं, इस तरीके से पूछ लिया। पूछ लिया 10 और 29, अब यहां बीच था, अब यहां तक आ गया, के तक कुल कितनी संख्याएं, क्या करेंगे, 10 और 29 डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आने वाला, 19 आएगा। अगर 19 अंतर कितना है, अंतर मतलब घटाना है, 29 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 19 आएगा। अब यहां तक पूछा है तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम यहां क्या करेंगे, प्लस एक कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस एक कर देंगे, और बता देंगे कि कुल कितनी संख्या है, 20 संख्या है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो क्या हो गया, डिफरेंस निकालेंगे, उसमें प्लस एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, उस तरीके से हम निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, 19 है, 19 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20। हमसे पूछ लिया 600 और 1400 के तक, 14 तक क्या हो जाएगा, 1400 के तक कुल कितनी संख्या है, क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे 600 और 1400 तक कुल कितनी संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा, कितना आएगा, 800। अब तक बोला है तो क्या करेंगे, प्लस एक कर देंगे, तो बता सकते हैं कितना आ जाएगा, 801, कितना आ गया, 801। तो हम बता सकते हैं 600 और 1400 तक की कुल कितनी संख्या है, 801 संख्या है, कुल कितनी संख्या है, 801 संख्या। या अगर तक बोला गया, अगर तक बोलता है तो क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, उसमें प्लस एक कर देंगे, अंतर मतलब यहाँ घटाए, घटाए के जितना आएगा उतना एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। इस तरीके से और बोल दिया, मान लो पांच सौ और 1000 तक कुल कितनी संख्या है, तो हम यहां क्या बोला गया, 1000 तक कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा, 500 आएगा, 500 तक बोला है तो इसलिए वहां का क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 501 संख्या आएगा, ठीक है। हमसे बोल दिया 240 और 300 के बीच 300 तक की कुल कितनी संख्या है, ठीक है, कुल कितनी संख्या है, क्या हो जाएगा, 300 में से 240 घटाएंगे कितना आएगा,
60 आएगा, अब तक बोला है इसलिए यहाँ एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 61। तो हम बता सकते हैं 240 और 300 तक के कुल कितनी संख्या है, 61 संख्या है। कितनी संख्या है? 61 संख्या है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला क्या था, अब जैसे बोलेगा पहला क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9×10^1 हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले, तक 20 तक बोलेगा तो क्या डिफरेंस निकाल देंगे, डी माइनस वन कर देंगे, अंतर आएगा, अंतर में एक घटा देंगे। अगर यहाँ बोलेगा तक बोला तो डी प्लस वन कर देंगे, कितना हो जाएगा, इस तरीके से निकल आएगा एक्स। जैसे यहाँ पे घटाए तो यहाँ निकल आएगा आंसर। इस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है, तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।